किसान साथियों, अगर कोई गन्ना प्रजाति हमें 3 साल तक या 3-4 साल तक बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती हो, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब किसान बुआई करता है उसका बहुत खर्च आता है, उसके बाद जब हम प्रबंधन शुरू करते हैं अपने खेत का, किसान भाइयों, शुरुआत में खेत में हमें बहुत खाद डालनी पड़ती है, हमें बहुत निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है, और पौधे को पालने में किसान का बहुत ही पैसा खर्च होता है। अब पेडी आती है, पेडी अगर अच्छी निकले किसान भाइयों, तो उसमें ही किसान को बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, बचत आती है, क्योंकि उसमें किसान आधे काम ही करता है। और अगर तिवर्षी यानी तीसरी साल की और चौथी साल की पेडी भी किसान को अच्छी मिल जाए, कोई ऐसी प्रजाति हो जो किसान को 3-4 साल तक लगातार जबरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती हो, तो उसी से ही किसान अच्छा उत्पादन लेगा, उसी से ही किसान फल फूल सकेगा। किसान भाइयों, आजकल ऐसी दवाएं बाजार में हैं, मैं आपको बताऊं कि आपको पेडी प्रबंधन में बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई या कुछ करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप 2-3 स्प्रे लगा देंगे तो खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे, 3 पानी तक 4 पानी तक उसमें पेडी हमारी ऊपर निकल जाती है। और अगर ऐसी प्रजाति हमें मिल जाए जो लगातार ब्याप दे सकती हो, कल्ले दे सकती हो, जैसे 13-235, किसान भाइयों बाजरे की तरह ये प्रजाति फूटने की क्षमता रखती है। मैं इसको 4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक खेत में अपने पास, छोटा सा मैंने लगा रखा है यही देखने के लिए, ये लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे बाजरा जितना कटता है उतनी ही बढ़ती जाती है। ईथरल का इस पर अगर आपने एक थोड़ा सा छिड़काव कर दिया, थोड़ा सा ह्यूमिक डाल दिया खेत में किसान भाइयों, तो ये 4-5 साल तक नहीं मरेगी। आपको केवल खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना, कोई इसमें रोग नहीं आएगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ज्यादा खाद नहीं डालना, लगातार एक बार वो 4 साल तक गन्ना ले लो, ऐसी प्रजाति है 13-235, बस केवल खरपतवार पे नियंत्रण करना। जैसा मैंने बताया, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो सारे घास मारती हैं और गन्ने पे जरा सा भी कोई भी दुष्परिणाम नहीं पड़ता। इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा इस साल, किसान भाइयों जो हमारा गेहूं का गन्ना है, गेहूं के खेत में हमने बोया था, उसमें हमने कोई भी निराई गुड़ाई खुदाई कुछ नहीं करी, वो केवल हम दवाओं से ही तैयार कर रहे हैं, उसकी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी, वो गन्ना अब 40 दिन का हो चुका है, 60-65 दिन का होते ही मैं वीडियो बनाऊंगा जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लास्ट में केवल हम उस पे मिट्टी ही चढ़वाएंगे, और वो भी सिर्फ शौक के लिए नहीं, तो मिट्टी चढ़वाने की भी उसमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ पड़ा है खेत, बहुत अच्छा ब्यांत आया, उसमें कौन कौन सी दवाएं हमने डाली ब्यांत के लिए, कौन कौन सी दवाएं हमने खरपतवार के लिए, सारी वीडियो में बनाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे 13-235 है, जैसे PB95 है, 3 साल तक बहुत ही सुंदर रिजल्ट इसका भी पेड्डी का आता है किसान भाई, बहुत ही जबरदस्त ब्यांत करती है इसकी पेड्डी। इस बार 15 बीघे के करीब 13-235 लगाया, उसको 3 साल तक हम चलाएंगे। और एक प्रैक्टिकल और मैं बताऊं इसी चीज़ को लेके किसान भाइयों, एक खेत हमने सरसों का बो दिया था, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, सरसों का बो दिया था, उसमें वो बहुत ही कम जमा था क्योंकि उस समय नमी नहीं थी, और वो गलती कर गए, उसमें बहुत ही कम से भी कम वो जमा था, और किसान भाइयों सब कह रहे थे कि आप इसकी दोबारा से बुआई कर दो, ये नहीं कामयाब होने का खेत। लेकिन मैं इस प्रजाति को लेके इतना उत्साहित हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने से ही हमें पता चलता है, मैं करता रहता हूँ, इतना उत्साहित हूँ कि मैंने ये चैलेंज के रूप में लिया कि भाई इस खेत को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये देखेंगे कि ये कितना ब्याह करती है प्रजाति, और कहाँ तक हम इसे ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप अब ये देख पा रहे होंगे, ये वही खेत है, बिल्कुल ख़त्म खेत, कोई इसमें पेड़ कहीं से कहीं तक नहीं था, सब इसे कहते थे इस खेत को ख़त्म करो, लेकिन जैसा मैंने बताया 13-235 ब्यांत करके धीरे 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 वो जो है भरता चला गया खेत, और आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि आप देख पा रहे होंगे इसमें किसी भी 38 का जो खेत है उससे ज़्यादा गन्ने इसमें बन गए। और जैसे ही अब बरसात शुरू होगी मैं फिर वीडियो लाऊंगा इसकी, ये किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त खेत हो जाएगा, मुझे पता है। तो कहने का मतलब ये है कि 13-235 प्रजाति कई साल तक किसान को अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, और भी कई, जैसे मैंने बताया PB95 में भी ऐसी है, 3 साल तक तो कम से कम दे सकती है, वो भी अच्छे से अगर उसका प्रबंधन करें। तो अगर हम इसके साथ चलें और ये प्रजाति बढ़ती जाए ऐसे ही, और किसान को बुआई लगातार ना करनी पड़े, तो बहुत अच्छा फ़ायदा किसान गन्ना फसल से ले सकता है। और आजकल तो सारी ही प्रजातियां ऐसी आ रही हैं, जैसे 16-202 है जो नई पास हुई है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ब्यांत है, 17-231 जो संस्थान की तरफ से पास हुई थी उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ब्यांत है। तो सारी ही प्रजातियां ऐसी हैं कि उनमें कई साल तक हम पेडी ले सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण करें तो, और उससे ही किसान को फ़ायदा मिलेगा। और किसान भाइयों एक चीज़ और बताऊँ,
अगर हम हमेशा कूड़ी का खाद इस्तेमाल करें और खेत में वेस्ट डिकम्पोजर जीवामृत वगैरह चलाने की प्रैक्टिस शुरू करें तो किसान भाइयों खेत की मिट्टी में जान बनी रहेगी। और ये जो गन्ना प्रजातियां कुछ किसान कहते हैं कि भाई हमारे पास 13235 अच्छी नहीं हुई या 17231 अच्छी नहीं हुई या ये गन्ना प्रजाति अच्छी नहीं है, आप यकीन मानिए किसान भाइयों हर प्रजाति का खेत आपको मैं यहाँ तक कि जो 14201 बिल्कुल फेल रही हमारे यहाँ ऐसे ऐसे खेत उसके खड़े हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। वो सारा केवल और केवल प्रबंधन और ज़मीन पे निर्धारित है। अगर आप जैविक चीज़ें कूड़ी का खाद का इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रजाति को आप अपने खेत में अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल होगी। किसी भी गन्ने में कम उत्पादन देने की क्षमता नहीं है। आज यहाँ तक भी है किसान भाइयों 0238 भी अभी भी बहुत तगड़े तगड़े खेत खड़े हैं किसानों के पास जो अच्छे कूड़ी के खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैविक चीज़ें ज़्यादा डालते हैं और जीवामृत चलाते हैं। बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये 0238 है। तो सारी बात यही है, मिट्टी पे भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और सारी प्रजातियाँ अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जो अब आ रहे हैं गन्ने वो सारे ही ऐसे हैं कि उनमें अंधा ब्यांत है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ब्यांत आता है। तो अगर ऐसा हो जाए फ्यूचर में आने वाले समय में, जैसा कि अब किसानों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि भाई खाद भी डाल रहे और लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, अगर किसान इसको 4 साल तक पेड्डी गन्ने को ले पाए या 3 साल तक, तो 1 साल तो बढ़ा ही बढ़ा दे तीसरी साल और उसमें बिल्कुल कम खर्च में किसान उत्पादन अच्छा ले ले बहुत ही, तो किसान की लागत भी कम होगी और अच्छा फ़ायदा किसान ले सकता है। धन्यवाद।